जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। पॉलिटिशियन और एक्टर रवि किशन ठगी का शिकार हुए। मुंबई के व्यापारी ने एक्टर के 3,25,00,000 रुपए हड़प लिए। ऐसे में रवि ने व्यापारी के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज कराया। व्यापारी का नाम जैन जितेंद्र रमेश है। उस पर रवि किशन के पैसे न लौटाने और बाउंस चेक देने का आरोप लगे हैं। कैंट पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। बिजनेसमैन पर आरोप है कि 10 साल पहले उसने रवि किशन से रुपए उधार लिए थे, जो कि वह लंबे समय से लौटा नहीं रहा था। जब व्यापारी पर पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाया गया तो उसने रवि को 7 दिसंबर 2021 को 34,00,000 के 12 चेक दिए, लेकिन 6 फरवरी 2022 को बैंक के अधिकारियों ने लेटर लिखकर जानकारी दी कि जिस बैंक अकाउंट का चेक दिया गया उसमें रुपए नहीं आए हैं। इस मामले में रवि ने रमेश से बात भी की, मगर उनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं आया। लंबे समय तक कोई जवाब न मिलने पर एक्टर ने 27 सितंबर को व्यापारी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। बता दें कि रवि चेक बाउंस होने के बाद से ही व्यापारी से बार बार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन रमेश उन्हें पैसे नहीं दे रहे। इन घटना में रवि मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान है, जिसके बाद ही एक्टर शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर हुआ। ठगी के मामले में कैंट पुलिस जांच कर रही है। मीडिया से बातचीत में पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। जांच के आधार पर ही आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। खबर और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।